रामचंद्र सेवा ट्रस्ट संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार ने स्कूल टॉप किए हुए बच्चों को सम्मानित कर टीचर अध्यापक हौसला बढ़ाया। नेशन न्यूज के लिए बिहार से मोहत सिराज की रिपोर्ट। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रोशन है। मैं RNER कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर साहब से हमारी मित्रता रही है और जब भी सामाजिक कल्याण की बात आती है तो मैं भी सहयोग करता हूँ। उसी उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित था। ये जान के मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस आज़ादी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, उन्होंने इस चंदौली पंचायत के उन ब्रिलियंट स्टूडेंट को अवार्ड दिया। साथ ही उन बच्चों को भी उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की जो उनके कदम पर चल सके, उनके मेहनत को देख सके और वो भी आगे बढ़ सके। तो मैं इसके लिए डॉक्टर मनोज जी को श्री रामचंद्र सेवा सदन के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। साहब के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, हमेशा कभी पौधारोपण का, कभी बच्चों में अवार्ड का मामला, क्या कहना चाहते हैं अपने भाई को? मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और डॉक्टर साहब जो हमारे भाई हैं, इस तरह का कार्यक्रम चलाने में हमें बहुत आनंद आता है। और अभी जो रामचंद्र सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो ये प्रोग्राम रखा गया है, हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरीके से ज़मीनी स्तर से उठ करके आए, हमारे भाई साहब डॉक्टर बने और पूरे मतलब छा रहे हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जागृति हमारे समाज में आए और समाज के बच्चे भी आगे डॉक्टर बने, बड़े बड़े अधिकारी बने और इस कार्यक्रम को और विशेष लेवल पे लेके चले। इस के माध्यम से जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो क्या आप उसको आर्थिक मदद देते हैं? बिल्कुल, हमारा सहयोग रहता है कि ज़्यादा जगह जगह जाके गाँव में हम और भाई साहब मिल के कैंप लगाएँ और कैंप के माध्यम से हम लोगों को निःशुल्क सेवा भी देते हैं, दवा भी देते हैं, जांच भी देते हैं और साथ में हमारे गांव के ही नहीं, अगल आस पड़ोस के गांव के भी अगर कोई आर्थिक मदद की जरूरत होती है पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। रामचंद्र सेवा ट्रस्ट हमेशा उनकी मदद करने में अव्वल है। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। आज जो आपकी संस्था के द्वारा 15 अगस्त के मौके पर जो प्रोग्राम रखा गया है, जो आपके बच्चे समाज में टॉप किए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनको? सबसे पहले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं श्री डॉक्टर मनोज कुमार सिंह श्री रामचंद्र सेवा ट्रस्ट की ओर से आज एक कार्यक्रम आयोजन किया था जिसमें लगभग पूरे चंदौली पंचायत के 200 बच्चों को सम्मानित किया, उन्हें शील्ड और सर्टिफिकेट देके जो पढ़ने में अव्वल हैं और साथ में हमारे जो रिटायर शिक्षकगण हैं जो दिशा दशा देते हैं अपने समाज में, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। करीब 20-25 मुख्य टीचर लोग हैं, उन लोगों को सम्मानित किया। आप एक डॉक्टर भी हैं और इस तरीके का प्रोग्राम करके कैसा लगता है? सर देखिए, मैं भी इस गांव से निकला हूं और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों में आज जागृति आए, साथ में जो बच्चे होते हैं उन्हीं का नींव मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ा हूं, यहीं से बढ़ा, तो लगता है कि बच्चों में अगर अवेयरनेस आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, समाज सुधार सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।